नमस्कार जी, न्यूज वीवी के में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश रामधारी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के इलेक्शन 2023 का महासंग्राम हो रहा। वहीं आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी कमान कस रही है। जी हाँ, आपको बता दें, गाँव बिरथेबारी में आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष अमरिंदर सिंह ऐसी सेल से है। उन्होंने गाँव बिरथेबारी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी के मेंबर बनाकर उन्हें पद कार्यभार संभलवाया, जिसमें राजेश कुमार को सचिव के पद पर कार्ड इश्यू किया और जिसमें गांव के सिंदर सिंह, राजेंद्र सिंह, गुरबचन सिंह, राजेश कुमार व अन्य लोग भी शामिल थे। देखना ये होगा अब 2024 में इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के इस महासंग्राम में आखिर आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में कहां तक मुकाबला कर सकेगी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अमरिंदर सिंह है, विधानसभा गुला से, आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष एससी सेल। और पार्टी ने अभी मुझे नई जिम्मेदारी दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। जो भी आम आदमी मेहनत करके पार्टी को आगे लेके जाता है, पार्टी उसको मान सम्मान देती है। और इसी मान सम्मान के स्वरूप में पार्टी ने मुझे ब्लॉक प्रभारी नियुक्त करके यहाँ ब्लॉक 3 में नियुक्त किया है। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस का महासंग्राम चल रहा है 2023 इलेक्शन में, अब आने वाले टाइम में हरियाणा में इलेक्शन होगा, उस महासंग्राम में बीजेपी और कांग्रेस की दौड़ में आखिर केजरीवाल क्या कर पाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी एक एक घर में केजरीवाल पैदा कर रही है। आम आदमी पार्टी एक एक घर में केजरीवाल पैदा कर रही है। उसी केजरीवाल को पैदा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने एक एक कार्यकर्ता को गाँव में उतारा है। जैसे आज हम थेबरी गाँव में आए हैं, यहाँ से जो हमारे सचिव बनाए गए हैं राजेश जी, और जो ये टीम इनकी खड़ी है, ये एक एक आदमी केजरीवाल बनेगा। क्योंकि जब घर से एक एक आदमी घर से उठकर आम आदमी पार्टी का झंडा उठाकर झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर यहाँ हरियाणा में काम करेगा, तो हम ये सोच सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी घर घर में पैदा होकर हरियाणा में 2024 में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। जबकि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आप खबर आप तक पहुंचाते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जी न्यूज़, हमेशा सत का साथ। धन्यवाद।